सभी को नमस्कार। हमारे चैनल हीलिंग स्पेल में आप सबको स्वागत है। ये हमारी फुल प्रूफ रेसिपी सीरीज है। आज के वीडियो में हम आइस ट्रे का उपयोग करके नट चॉकलेट्स बनाना सीखेंगे। आवश्यक सामग्री: डार्क कुकिंग चॉकलेट, कुकिंग मिल्क चॉकलेट, और अगर आपको चॉकलेट्स को ज़्यादा मीठा बनाना है तो वाइट चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी पसंद के नट्स। मैंने बादाम, काले और सुनहरे किशमिश का उपयोग किया है। चॉकलेट को पहले छोटे टुकड़ों में काटें। मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट के 4 टुकड़े, मिल्क चॉकलेट के 4 टुकड़े और वाइट चॉकलेट की 1 टुकड़ी यूज़ की है। अगर आप ज़्यादा कड़वा चॉकलेट पसंद करते हैं तो 4 डार्क चॉकलेट और 2 मिल्क चॉकलेट के टुकड़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल ब्रॉयलर सिस्टम यूज़ किया है, यानी यहाँ पे मैंने एक छोटे से दूध के पैन को उपयोग किया है और इसके ऊपर एक और रेगुलर पैन को रखा है। अब ये ध्यान दें कि ऊपर की जो पैन है वो पानी में ना डूबे। ऐसे करने से चॉकलेट स्टीम से मेल्ट होगा और चॉकलेट जलेगी नहीं। और तेज़ी से चम्मच चलाएं जब तक कि एक स्मूथ मिक्सचर ना बने। एक बार चॉकलेट पूरा मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करें। अब आप आइस ट्रे को रेडी रखें और एक चम्मच के माध्यम से ये मेल्टेड चॉकलेट के मिश्रण को आइस ट्रे में थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक बार मेल्टेड चॉकलेट डाल दिए तो ट्रे को धीरे से टैप करें ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स है वो सारे निकल जाए, और आपके पसंद के नट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम और किशमिश डाला है। नट्स डालने के बाद ट्रे को फिर से टैप करें और इसके ऊपर दोबारा एक और लेयर मेल्टेड चॉकलेट को डालें। फिर से टैप करें। अभी इसको फ्रिज में 30 से 40 मिनट तक सेट होने रखें। 40 मिनट के बाद इस ट्रे को फ्रिज से बाहर निकालें और ट्रे को धीरे से ट्विस्ट करते हुए सारे नट चॉकलेट्स को निकाल दें। इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो रैपर्स में डाल के गिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेरेरो रोशर चॉकलेट को भी देख सकते हैं। ये हमारी अगली वीडियो का थीम है कि घर पर ही फेरेरो रोशर जैसे चॉकलेट्स कैसे बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहे और हमेशा हंसते हंसते रहिएगा। नमस्कार। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश या कन्नड़ा लैंग्वेजेस में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं।